नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज भी जो है आप सभी के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट आईपीएल की और क्रिकेट की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, तो वीडियो को जो है आपको बस लास्ट तक पूरा देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप लोग सच्चे वाले आईपीएल के क्रिकेट के फ़ैन हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपको बगल में जो है घंटी का बटन दिखेगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं थर्ड टेस्ट मुकाबले से। तो भाई आज जो है लीड्स हेडिंगली में मैच है, जो वेदर है भाई वो काफ़ी अच्छा है और बारिश भाई मैच में नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मतलब कि जो दिन है काफ़ी साफ सुथरा है। वहीं भाई बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह जो है भाई फिलहाल टेस्ट में 95 विकेट ले चुके। अभी जो है बुमराह को टेस्ट में 100 विकेट लेने के लिए सिर्फ 5 विकेट दूर है जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह ने ये 5 विकेट ले लिए तो भाई बुमराह जो है बन जाएंगे टीम इंडिया के सबसे फास्टेस्ट खिलाड़ी जिसने जो है टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लिए हैं सबसे जल्दी। इसके पहले जो है ये रिकॉर्ड भाई कपिल देव के नाम पर अभी भी है, लेकिन अगर बुमराह 5 विकेट ले लेंगे तो बुमराह बन जाएंगे सबसे फास्टेस्ट। अब उसे यहाँ पे जो है आगे बढ़ने से पहले जो है भाई, बहुत लोग जो है आपको बोल रहे हैं कि जो तिसारा परेरा है श्रीलंका के, वो फिलहाल बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट अनाउंस किए जा चुके हैं। वहीं जो है कुछ खबर ये भी फैल रही है कि जो भाई तिसारा परेरा है वो आरसीबी में के निजर्सन के रिप्लेसमेंट अनाउंस किए गए। देखिए भाई, अभी तक मैं आपको बता दूँ, अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है कि भाई जो परेरा है वो बेन स्टोक्स के या फिर जो है आरसीबी में रिप्लेसमेंट चुने गए हैं। हालांकि आपको जो है बहुत लोग ऐसा बोल रहे रहेंगे कि जो भाई जो मतलब कि है परेरा वो ऑफिशियली रिप्लेसमेंट अनाउंस किए गए हैं, लेकिन जी नहीं दोस्तों, अभी तक अगर आप देखोगे राजस्थान रॉयल्स का हैंडल, वहाँ पर भी जो है अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई जो परेरा है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। हालांकि जो है हम सभी को सिर्फ अभी फ़िलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेटिंग है कि आखिरकार ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। तब तक जो है भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग जो है किसी भी न्यूज़ में यकीन मत करो कि भाई जो परेरा है वो बेन स्टोक्स के मतलब कि रिप्लेसमेंट है। तो आपको यहाँ पर जो है भाई फ़ायदा क्या होता है कि मैंने जो है ना ये खबर आप सभी को ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी, जो लोग वहाँ पे जुड़े हैं उनको खबर तो मिल चुकी है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो आपको जो है यहाँ पे भाई करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, इसको बस आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना खबर आ रही है पंजाब किंग्स के खेमे से। पंजाब किंग्स को अभी भी जो है अपना एक रिप्लेसमेंट अनाउंस करना बाकी है और ऐसी खबर आ रही है इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से, पंजाब किंग्स जो अपना मतलब कि नेक्स्ट रिप्लेसमेंट अनाउंस करेगी वो करने वाली है इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट से। यानी कि जो फिलहाल इंग्लैंड का ब्लास्ट का मतलब कि एक एंडिंग फाइनल स्टेज चालू है, उसमें से जो है भाई पंजाब की टीम अपना रिप्लेसमेंट अनाउंस करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग भाई राजस्थान रॉयल्स के खेमे से कौन सी अपडेट आ रही है। भाई अभी भी जो है रॉयल्स की टीम फिलहाल डाउटफुल है। रॉयल्स की टीम अभी भी जो है फाइनल जो है डिसीजन उसका वेट कर रही है कि आखिरकार जो एंड्रू टाई है, एंड्रू टाई क्या आईपीएल के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, इसका जो है अभी तक रॉयल्स की टीम अनाउंसमेंट का वेट कर रही है। हालांकि ये जो है कम्प्लीटली उनका डिसीजन है कि एंड्रू टाई को आना है कि नहीं आना है, लेकिन भाई वो कम से कम अपनी टीम को बता दो कि आपको आना है कि नहीं आना है। और इसी के लिए जो है भाई रॉयल्स की टीम फिलहाल वेट कर रही है कि एंड्रू टाई हमको कब बताएंगे कि वो आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। बात करते हैं क्रिस वोक्स की। तो भाई क्रिस वोक्स ने फिलहाल जो है डोमेस्टिक में वापसी की है, काफ़ी लंबे समय के बाद अपना जो है पूरा रिहैब का प्रोसेस किया और वापसी किए। भाई जो है अभी ऐसी बहुत ही हाई चांस है क्रिस वोक्स हम सभी को फोर्थ टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के लिए खेलते हुए भी दिखाई दे सकती है, ऐसे भी जो है काफ़ी हाई चांस है। स्पेशली अगर जब बॉल स्विंग होती हो तो क्रिस वोक्स जो है इंग्लैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो फोर्थ टेस्ट मुकाबले में जो है क्रिस वोक्स काफ़ी हाई चांस है कि वो इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ना अभी भी 4 टीम्स को रिप्लेसमेंट अनाउंस करना बाकी है। सबसे पहले टीम भाई राजस्थान रॉयल्स, रॉयल्स को जो है अभी भी अपना ऑफिशियली बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट अनाउंस करना बाकी है। सेकंड टीम भाई केकेआर, केकेआर की टीम को जो है पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट अनाउंस करना बाकी है। तीसरी टीम पंजाब किंग्स, पंजाब जो है भाई उनको उनके तेज गेंदबाज जाई रिचर्डसन इनका रिप्लेसमेंट अनाउंस करना बाकी है। फोर्थ टीम भाई आरसीबी, आरसीबी को जो है फिलहाल के रिचर्डसन इनका रिप्लेसमेंट अनाउंस करना बाकी है। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो भाई फिलहाल दिल्ली की टीम काफ़ी मजबूत है और जो है पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर है आईपीएल 2021 में।
अगर आपने देखा था तो भाई आवेश खान दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, इंजरी के बाद जो है भाई आवेश खान ने नेट्स में गेंदबाजी करना चालू कर दिया है, तो भाई बहुत ही अच्छी खबर आ रही है दिल्ली के फैंस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग वुमेन्स की, तो भाई जो इंडिया वुमेन्स की टीम है इन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, वनडे और T20 का स्क्वाड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही जो है लंबा और बहुत ही बड़ा दौरा होने वाला है इंडियन वुमेन्स के लिए, जिसके लिए जो है भाई इंडिया वुमेन्स ने वनडे और T20 दोनों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। आप लोग स्क्वाड कम्प्लीटली अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। बात करते हैं फैफ डुप्लेसिस की, भाई डुप्लेसिस PSL के बाद क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, फैफ डुप्लेसिस CPL 2021 में खेलते हुए दिखाई देंगे और भाई कप्तानी भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, डुप्लेसिस अगर CPL खेलेंगे तब वो IPL में भी खेलेंगे चेन्नई के लिए। तो भाई बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो है डुप्लेसिस क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोस्तों यहीं पे जो है ना अभी अच्छी खबर नहीं आ रही है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को लेके। सबसे पहले जो है ढाका में जो न्यूजीलैंड की टीम गई है भाई T20 के दौरे के लिए, जो उनके खिलाड़ी हैं फिन एलन, RCB के लिए भी है फिन एलन जो है भाई, फिलहाल ढाका में COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इनको जो है भाई रखा गया है सेल्फ आइसोलेशन में। एक तरफ भाई ढाका में आए फिन एलन पॉजिटिव, वहीं जो है इंग्लैंड के देश में जो है लोकी फर्गुसन भी जो है भाई आ चुके हैं COVID-19 पॉजिटिव, तो इनको भी जो है रखा गया है आइसोलेशन में। तो भाई इस तरीके से जो है दो प्लेयर कीवीज के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के क्रिकेट को लेके अपडेट्स हैं, तो भाई जिम्बाब्वे ने जो है अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है, वो है क्रेग एरवाइन। क्रेग एरवाइन जो है फिलहाल लिमिटेड ओवर्स के नए कप्तान घोषित किए गए हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए। भाई बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उम्मीद करते हैं कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं जो अगर आपको याद रहेगा जिम्बाब्वे के ऑफ स्पिनर हुआ करते थे रॉय काया, आप लोग जानते रहेंगे इनको, ये ऑफ स्पिनर थे रॉय काया के ऊपर जो है भाई फिलहाल ICC ने लगा दिया है बैन, यानी कि ये जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं कर सकते ड्यू टू इलीगल एक्शन। एट दी एंड बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो भाई हार्दिक पांड्या ने जो है इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो जारी की जो कि थी एक घड़ी की, जो इनकी घड़ी की भाई कीमत है वो है लगभग 5 करोड़ रुपीस। तो भाई सोचने वाली बात है, हार्दिक पांड्या की जो घड़ी की कीमत थी, जो फ़ोटो शेयर किए थे उसकी कीमत थी 5 करोड़ रुपीस। तो भाई ये दिखाता है पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की, दोस्तों क्या आप सभी को पता है अभी तक के पूरे T20 इतिहास में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, सारे T20 के इतिहास में T20 के क्रिकेट में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स मारे हो, वह भाई हमारे इंडिया के हार्दिक पांड्या। जहाँ पर जो है भाई हार्दिक पांड्या ने बड़ौदा वर्सेस दिल्ली के मैच में जो है एक ओवर में 39 रन्स मारे थे, जो कि सबसे हाईएस्ट है अभी तक के T20 क्रिकेट में। ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो भाई ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।